सब काम बंद करेंगे। रस्मों से रीति रिवाजों से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि प्रीता की तरफ आंख उठाकर देख सके। पृथ्वी कभी नहीं कह पाएगा कि बच्चा उसका है। माँ, आप जसप्रीत और नवजोत को जानती हैं? तू चादर चढ़ाने की बात कर रहा है ना? मैं भी यही सोच रही थी, जब कोई लड़की जवानी में विधवा हो जाती है ना, तो लोगों का सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। वो क्या करती है, क्या नहीं करती, किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती, ये देखने लगते हैं। उनकी सोच ही बदल जाती है और फिर लड़की पे इल्जाम लगाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि प्रीता पे कोई इल्जाम लगे। मम्मी जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आप जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। हमें प्रीता पे चद्दर चढ़ानी होगी, वरना ये दुनिया वाले ये समाज पत्थर मारते रहेंगे और जख्म कभी भरेंगे नहीं। एक औरत के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक औरत जब जवानी में विधवा हो जाती है, उस पे माँ बनने वाली होती है, तो लोगों का मुंह बंद करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे बहुत सारे पृथ्वी आके सामने खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा झूठ बोलने, इतना बड़ा इल्जाम लगाने। मुझे लगता है हमें समाज के हिसाब से चलना होगा और समाज का मुंह बंद करना ही होगा हमें। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ऋषभ। हाँ तो डैड बोलो ना कि क्या चाहिए। मैं कहाँ बैकआउट कर रहा हूँ, मुझे बोलिए कि क्या मेरी मदद कहाँ चाहिए आपको। मैं हूँ यहाँ पे। चादर चढ़ाना, ये क्या होता है? क्या है, क्या इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज दिस चादर? प्रीता, इसके लिए हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब कोई लड़की जवानी में विधवा हो जाती है ना, तो घर का कोई कुंवारा लड़का उससे शादी कर लेता है, उसे चादर चढ़ाना कहते हैं। दादू आप कैस? ऋषभ कुंवारा नहीं है, लेकिन हम उसकी दूसरी शादी करने की सोच ही रहे हैं। तो ऋषभ, तुम्हें प्रीता से शादी करनी होगी। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया? आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? और ये समय देखो यार, आप लोग क्या कर क्या रहे समय हो? देखे ये माहौल देख रहे हो तुम? ये दोबारा चाहते हो तुम? पर इस बच्चे को नाम कौन देगा? उस बच्चे को प्यार कौन देगा? उसका अधिकार है कि नहीं? आप लोग मेरी बात को किए। कांच जैसी होती है, कंकड़ से भी टूट जाती है, इसलिए कह रही हूँ मेरी बात मान ले। अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए सोच, उसके लिए हाँ कहते पुत्र। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू ये मत समझ के एक सास होने के नाते मैं तुझसे बात कर रही हूँ, एक माँ होने के नाते तुझे बोल रही हूँ। राखी माँ, प्लीज ऐसे मत कहिए ना। आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरी जिंदगी में करण की जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। अरे तो बेटा, कौन कह रहा है कि कोई करण की जगह लेगा? तो उसको याद कर, उसकी यादों के साथ है। और वैसे भी तुझे पता है, तेरा और ऋषभ का ये जो बंधन है, ये दो जनों का नहीं, इस परिवार के साथ भी है। बेटे, इन लोगों को बहुत दुख मिला, उस दुख को थोड़ा सा तो कम कर दे। एक बात कहूं पुत्र, करण और ऋषभ मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। एक बार वो महेशी के बिना रह लेंगे, लेकिन मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी जब उन पे कोई मुसीबत आती है या फिर उन्हें कोई परेशानी होती है, तो मुझे कभी नहीं बताते। माँ हूं ना, उन्हें लगता है कि मेरा दिल टूट जाएगा। तब उन्हें एक पिता की जरूरत होती है, क्योंकि पिता से बच्चों को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, हिम्मत मिलती है। अपने लिए ना सही, इस नन्ही सी जान के लिए सोच।
जब वो बड़ा होगा अपने पिता के बारे में पूछेगा, क्या जवाब देगी तू? क्या उसे एक पिता के प्यार से महरूम रखेगी? पिता इस दुनिया में सारे बच्चों को पिता का प्यार मिलता है, तो क्या मेरे करण के बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिलेगा? तू उसे एक बाप का सुख नहीं देगी? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तू जी लेगी लेकिन तेरे बच्चे को पिता का प्यार चाहिए, और वो प्यार ऋषभ दे सकता है उसे। प्लीज प्रीता, करण की जगह कोई नहीं ले सकता, ये मैं जानती हूँ। उसकी बोझ को कम कर। करेगा ना? और मैं वादा करता हूँ बेटा, ये शादी हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, कुछ धूमधाम नहीं होगा, सब सादे तरीके से होगा। अपने भाई की जिम्मेदारी को अपने बाप की जिम्मेदारी को निभाएगा ना बेटा? बोलना निशा, निभाएगा ना? प्रीता बेटा, ऋषभ का और तेरा बंधन सिर्फ तुम दोनों का बंधन नहीं बेटा, इस परिवार का बंधन है, तेरे आने वाले बच्चे के लिए ये सुख का साधन है। देख बेटा, तू इतनी खुदगर्ज ना बन, अपने बच्चे के बारे में सोच। क्या वो इस महरूमी के साथ बड़ा होगा कि कोई उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाने वाला नहीं, कोई उसे सर पे प्यार का हाथ नहीं रखता, वो बाप किसको कह के पुकारेगा? नहीं बेटा, ऐसा ना कर, उसके भविष्य के लिए तू हाँ कर दे। बोल पुत्र, जिम्मेदारी निभाएगा? हाँ कह दे पुत्र, हाँ कह दे। तू एक बहू होने का फर्ज निभाएगी ना, एक माँ होने का फर्ज निभाएगी ना? जो फर्ज करण बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, उस फर्ज को तू निभाएगी ना? ऋषभ बेटा, जब आप तो फर्ज निभाओगे ना? बोल प्रीता, करण की जिम्मेदारी तू निभाएगी ना? क्या चल रहा है यहाँ पर? दिखाई नहीं दे रहा है, ऋषभ और प्रीता की शादी की तैयारियां चल रही है। अगर पंडित आया मतलब शादी होनी है क्या? जरूरी नहीं है ना, ये भी हो सकता है कि हवन हो रहा हो, हवन की तैयारी हो रही हो। तुम कभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते ना, मैं कह रही हूँ कि ऋषभ और प्रीता की शादी हो रही है, वो भी आज ही। तुम्हें विश्वास नहीं होता? वहां देखो, सब दोनों का मिलन हो रहा है। देखो जी, ऊपर चलिए, प्रीता को ले आते हैं। थोड़ा ठहर जाए, तैयार नहीं हुई होगी अभी। तैयार तो अभी ऋषभ भी नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ। सच में? अरे तुम्हारी आंखें हैं कि बटन? अपनी आंखों पर तो विश्वास करो कम से कम। You know what? मैं तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें आज भी कह रही हूँ, तुम हार चुके हो। And you're a loser now. ज्यादा दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कितना अच्छा लग रहा है ऑफिस आके। मैं हूँ साथ तेरे। आई प्रॉमिस यू, मैं अपने भाई को आपसे कभी दूर जाने नहीं दूंगा।
भी दिन भी मैं गुजारूं, सोए तू तुझे रात भर मैं देखा करूं। मुझ में तू कुछ इस तरह से हो गया है शामिल, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं। तू ही मैं भी तेरा चेहरा हो गया है, यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा। दिल से नहीं वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं हूँ साथ तेरे। कहा था ना कि अब नहीं रहूंगी, लेकिन हाँ एक बात कह देती हूँ, जिस कहानी को तुम अधूरा छोड़कर गए हो वो पूरी जरूर होगी। एक दिन आएगा कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी, लेकिन तुम उस दिन का इंतजार मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिन नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उस दिन मिलकर तुमसे इतना झगड़ा करने वाली हूँ, इतना परेशान करने वाली हूँ तुम्हें, कि तुम मुझे अकेले छोड़ के गए कैसे? हमारी बच्ची को, दोनों को अकेला छोड़ के चले गए। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मुझे मेरी किस्मत से मिले हो, मेरे भाग्य से, मेरी कुंडली के भाग्य से। डिवोर्स पेपर है, साइन कर दो। ऐसे डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन कर दो। नहीं करना शालिन, अगर नहीं करना ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आई जस्ट टेक अ लीगल रूट अगेंस्ट यू, आई फाइल अ केस अगेंस्ट यू। चाहिए तुमको जो तुमने साजिशें की है ना पृथ्वी के साथ मिलके मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, वो तुमको सीधा जेल पहुंचाएंगे, वो तुम्हारे सामने आने वाली, तुमको मालूम है ना। उससे भी बड़ी बात बताऊं, I'll file a case against you कि तुमने झूठे ड्रग केस में मुझे फंसाया। दुबई भेजा था ना तुमने मुझे, तुमको पता है मैं वहां पे कैसे रहा हूं? I want you to sign this now, now। नहीं करना, मैं जितने टाइम जेल में रह के आया हूं ना, अगर ये सारी चीजें प्रूव हो गई ना, उससे बड़े टाइम के लिए तुम अंदर जाओगे, नॉन अवेलेबल वारंट। अगर साइन कर दोगे कुछ नहीं करूंगा। Choice is yours, decide कर लो। सुन प्रीता, तुझसे एक बात पूछूं पुत्र, क्या तू मुझे अपनी माँ समझती है? अगर समझती है तो माँ होने के नाते तुझसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुझे मुझ पे भरोसा है? है ना? तो बस, पर माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत कर ही नहीं सकती, और मैं जो तेरे लिए कर रही हूँ बहुत सोच समझ के मैंने वो फैसला लिया है, तेरी भलाई है इसमें। पुत्र मुझ पे विश्वास कर, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, बस इस सही करने में मुझे तेरा साथ चाहिए, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तेरा आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। चल बेटा, पीछे मुहूर्त का टाइम हो गया। चल ज्यादा चटर पटर मत करना, समझ में आया? मुंह खोलना
तो प्रवचन मत बोलना, सिर्फ वचन बोल, शादी के साथ वचन। यजमान जी, पर आपने तो हमें जबरदस्ती शादी कराने का बोला ही नहीं था। ए, चुप, वरना ये चाकू ना तेरे मुंह घुसर दूंगा। हाँ, तू चुपचाप बैठ और शादी शुरू कर। प्रीता जी, आप चुप हो जाओ ना। देखो, आप जानते हो ना मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, पर आपको एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। पर हाँ, आपके अंदर ये जो बच्चा है ना, उसको खरोच जरूर पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए, बिल्कुल आवाज मत करिए, वरना। और तू, आखिरी बार बोल रहा हूँ, शादी के सात वचन, नो प्रवचन, शुरू कर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा मंगलम कुंडली साक्षा मंगल तनहरी। बैठ। पंडित, मुझे लाइटली मत ले, मैं जो बोलता हूँ ना डेफिनेटली करता हूँ। अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाई ना, शादी खत्म करेगा तू, अच्छे से शादी के साथ वचन बोल। यशवंत, समझ गया, पाप का भागीदारी पद बनाई, फिर भी आप बोलते तो आप पूजा करा देते। प्रीतादी को ढूंढ रही हूँ। अरे, वो तो मंडप पे बैठी है ना यार। एग्जैक्टली, मंडप में जो बैठी है ऋषभ जी के साथ, वो मेरी दी नहीं है। What? अरे, मैंने उनका हाथ देखा, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो वैसे बिहेव नहीं कर रही है जैसे मेरी दी करती है। मैं कह रही हूँ सानी, मंडप में जो बैठी है ना, वो मेरी दी नहीं है। तुझे नहीं, इनको बोल रहा हूँ, तू कंटिन्यू कर। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वांध साधी के सर नेत्र मके गोरी नारायणी नमस्ते। क्या देख रही हैं आप, ये चाकू को क्यों देख रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना आपसे, रीता जी पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, लेकिन आपको एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। और हाँ, अगर आपने जरा भी होशियारी दिखाई ना, तो मैं चुपचाप बैठे, जल्दी से हमारी शादी हो जाएगी, बस थोड़ी देर और। तुमने वो आवाज सुनी? इधर आओ जरा। मेरा शक यकीन में बदलना जा रहा है कि मंडप में जो बैठी है वो मेरी दी नहीं है। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है, चलो ना चेक करते हैं। चल दिया। पंडित, तू हमारा प्रवचन क्या सुन रहा है? वचन बोल, वचन, शादी के साथ वचन, जल्दी। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वान शादी के शरण्य त्रम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुर्जा मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तन्वरी। सुनो, मैं कह देता हूँ, एक बार दोबारा सोच लो, ये सब करना जरूरी है क्या? मैं तो कह रहा हूँ घर वालों को बता देते हैं यार, बेटर रहेगा। पागल हो गए? क्यों? अगर बताएंगे तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें तो पता है ना, शर्लिन कितने ड्रामेबाज है, अगर वो एक भी बार चीखती है ना, पृथ्वी को उसकी चीख सुनाई देगी, और उसके बाद पृथ्वी पता नहीं मेरी दी को क्या करेगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ उल्टा हो गया तो? यू डोंट वरी, कुछ ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा किया है, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो थोड़ा, और टाइम पास नहीं करते, चुप चलते। गुड। अब ये जाकर भी अपना घूंघट नहीं निकाल पाएगी, और पृथ्वी को पता भी नहीं चलेगा कि घूंघट के अंदर कौन है। सामी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? रेडी। ओम इंद्राय देवताय नमः स्वाहा।
पंडित, जरूरत से ज्यादा सुहाग करवा दिया, इतना धुआं कहां से आ गया? दरवाजा खोल देता हूँ। भागने की कोशिश मत कर, वरना खोल जल्दी। आज महाराज राजशिव राठौर की महल की ऑक्शन है। पर इंडिया में इतने बड़े हेरिटेज प्रॉपर्टी की ऑक्शन इतने टाइम बाद हो रही है, उसी पे गए हैं भैया। कमाल की बात है, आज सवेरे उठते ही मुझसे कहने लगा कि मॉम आज मुझे आपके हाथ का शीरापुरी खाना है। मैंने बोला ओके। मैंने इतने प्यार से अपने हाथों से उसके लिए शीरापुरी बनाया, अपना मॉर्निंग वॉक तक मिस किया, और ये लड़का है जो बिना नाश्ता किए घर से चला गया, ये भी कोई बात हुई भला? राखी माँ, जाना बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए शायद गए। ऋषभ के लिए इम्पोर्टेंट क्या कुछ नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और जब से लेके उसने ये होटल और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया है, तब से लेके तो हर वक्त बस काम 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 और कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली चाची, काम से ऋषभ भैया इतने पॉपुलर हुए हैं। अब देखो ना जिस तरह अपने काम को हैंडल करते हैं, इतनी ऑनेस्टली, इतनी डेडिकेशन, इतने पैशन के साथ, उसी ने उनको इतना पॉपुलर बनाया। तो तू मुझे क्या बोलना चाहता है कि मैं तेरी बातें सुन के अपने बेटे को मेडल दूं कि वाह ऋषभ तू क्या काम कर रहा है? अरे बाबा, समझने की कोशिश कर कि इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है कि ऋषभ ने अपने आप को काम में इतना झोंक क्यों दिया है? क्यों? घर के लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालना चाहिए ना। और मुझे पता है कि मेरा बेटा काम करने में बहुत अच्छा है, और मेरे बेटे ऋषभ के सामने तो कोई कॉम्पिटिशन हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा दी बेस्ट है। प्रीता, तू अभी के अभी ऋषभ को फोन कर और उसे कह कि माँ ने अपने हाथों से शीरापुरी बनाया है, सारे काम छोड़ के अभी घर आए और मेरे हाथों का बना शीरापुरी खाए। चलो और ये भी कह देना कि अगर उसे लगता है कि उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसे ये बता देना कि मैं उसकी माँ हूँ, और मैं जानती हूँ कि उसके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या होता है, वो है उसका नाश्ता, मेरे हाथों से बना हुआ नाश्ता। तो उसे अभी के अभी घर बुला। मैं जानती हूँ कि वो न लंच करता है न ब्रेकफास्ट करता है, और फिर उसे जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम होता है एसिडिटी। अब अभी तो राखी माँ फोन नहीं है मेरे पास। तू जा, जा के लिया। सॉरी जेंटलमैन, ये लैपटॉप प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। नेवर माइंड साहिल, उसे एमपीपीटी मेरे पास फोन में, मैं कनेक्ट कर दूं। कनेक्टेड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बैंक बेसिकली हमें 400 करोड़ रुपए की फंडिंग दे रहा है, 400 crores, एंड दिस इज मैसिव हेरिटेज प्रॉपर्टी जिसको हम लोग होटल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नाउ एज पर माई स्टडी एंड अजम्पशन ऑफ कोर्स, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इतना बड़ा होगा कि फोन कट गया। डैड बिजी है बेटा, उन्होंने फोन काट दिया, अभी फोन मत करना। मम्मा, डियर डैड की फेवरेट शीरा पूरी बनाने के लिए आज मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गए, डैड को तो बात करनी ही पड़ेगी। अब फोन मत लगाना काव्या, फोन मत लगा। सो मैं कह रहा था कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इतना बड़ा होगा कि हम लोग I'm really sorry. I mean, it was... Oh.
वो आप आए नहीं, ब्रेकफास्ट पे सब वेट कर रहे हैं आपके। आपने कहा था कि सबके साथ खाएंगे। कुछ बोल के नहीं रहे हैं, कुछ बोल के नहीं रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप ब्रेकफास्ट पे आए क्यों नहीं। वो प्रीता जी, मैं एक्चुअली हाँ हाँ, अब आप हमसे क्यों बात करेंगे? क्योंकि हम आपके कोई बिजनेस के लीक थोड़ी है। प्रीता जी, वो मैं कह रहा था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। हमारे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। ये नहीं कि हमें कभी पिकनिक ले जाओ, कभी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, कहीं घुमा कर ले आए। हाँ, हमारे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। और अपनी मॉम के बारे में भी नहीं सोचा। मॉर्निंग वॉक छोड़कर, सब कुछ काम छोड़कर आपके लिए शीरापुरी बनाई, और जब शीरापुरी टेबल पे लगाई तो आप वहाँ खाने के लिए ही नहीं है। ये कोई बात होती है? It's okay, Mr. Luthra. मेरी पत्नी तो मुझे इससे भी ज्यादा डांटती है। बात और चॉकलेट्स, अब आप ये दोनों लेकर आएंगे जब भी घर आएंगे। Sorry. अच्छा, तो ये हमारी बदमाश की बदमाशी है। ऋषभ ने क्या कहा? ऋषभ जी ने बोला कि वो आपके हाथों का बना शीरा गुड न्यूज के साथ खाएंगे, और गुड न्यूज ये है कि वो जल्दी ही राजा राजशिव राठौर का महल नीलामी में जीत लेंगे, और फिर उसके बाद उस पे लग्जरी होटल बनाएंगे। तो वो बोले कि बहुत ज्यादा बोलने लग गया ऋषभ, बात तो ये है कि बहुत बिगड़ गया है, मेरे हाथों से निकल गया है, कुछ करना पड़ेगा इसका। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल हाथ से नहीं निकले। इनफैक्ट हाथ जोड़ कर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको उनकी तरफ से सॉरी कहूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें आपका आशीर्वाद चाहिए, और ये भी कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा आशीर्वाद हमेशा ऋषभ के साथ है। राखी माँ, आप ब्रेकफास्ट करिए और मैं भी काव्या को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। ठीक है। क्यों बदमाश, क्यों हमेशा डैड को दांत खिलवाती रहती है? मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। निधि हिंदुजा। ओह वाओ, फाइनली यू केम। मैं अभी यही सोच रही थी कि तुमसे सगाई करूं कि नहीं, क्योंकि मिस्टर अर्जुन आपको आने में ना काफी लेट हो गया। वो मैडम, मुझे एक्चुअली लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं फोन पे क्वीन से बात कर रहा था। हमारी शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं ना, इसलिए उन्हें शादी में इनवाइट कर रहा था। And I thought कि एक क्वीन की शादी में अगर दूसरी क्वीन आ जाएगी तो मेरी क्वीन कितनी खुश हो जाएगी। And guess what? रानी जी मान गई, वो हमारी शादी में आ रही। Wow, that's great. आप करोगे मुझसे सगाई? वैसे तुम्हें मेरा टेम्पो काफी अच्छे से हैंडल करना आता है। नो मैडम, नॉट योर टेम्पो, मुझे तुम्हें पैम्पर करना बहुत अच्छे से आता है।